गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव दोस्तों। अगर आज की बात करें जाए तो हरिद्वार कावड़ यात्रा संपन्न हो चुकी है और आपका मुरादाबाद कावड़ यात्रा भी करीब करीब संपन्न हो चुकी है। क्योंकि होता क्या कि मुरादाबाद कावड़ यात्रा या बरेली की साइड में क्या होता कि 4 सोमवार को गंगा जल अर्पण होता शिवालयों में। लेकिन इस बार क्या है कि सावन में 5 सोमवार हैं और कावड़ यात्रा जो हुई, जो मेन कावड़ यात्रा होती है वो आखिरी सोमवार में होती है। मुरादाबाद कावड़ यात्रा जो गढ़ मुक्तेश्वर से मुरादाबाद की साइड को जाती है, रामपुर जाती है, वो लास्ट सोमवार को होती है। लेकिन लास्ट सोमवार में क्या आ रहा है कि रक्षाबंधन आ रहा है, तो इसी चक्कर में कि भाई सभी लोगों को पता है कि सब बहन भाई इधर उधर रहेंगे तो वो लोग जल लेके नहीं आ सकते थे उस दिन, तो वो एक हफ्ते पहले यानी चौथे सोमवार में ही, नॉर्मली चौथे सोमवार में ही होती है, लेकिन इस बार जब पांचवा सोमवार पड़ रहा तो ये दिक्कत आ रही थी, तो वो फिर दोबारा से चौथे सोमवार में ही यात्रा हो गई है। तो जिसकी अगाढ़ शक्ता वो है, क्या कहते हैं, विश्वास है, जो कहते हैं कि भाई हम तो पांचों सोमवार चढ़ाएंगे, तो वो कुछ लोग आपको पांचवें सोमवार में भी शायद गंगा जल ले जाते हुए गढ़ मुक्तेश्वर से रामपुर की तरफ दिखाई दे जाए। वैसे यात्रा संपन्न हो चुकी है चौथे सोमवार में। और आज मेरे को जो आप लोगों के साथ बात करने का जो मन हुआ वो इसलिए हुआ कि मैंने हरिद्वार कावड़ यात्रा भी आपको पूरी दिखाई और अब आपको मुरादाबाद कावड़ यात्रा भी मैंने आपको पूरी की पूरी दिखाई है। तो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूं, वो ये कि हम मोस्टली कावड़ यात्रा दिखाते ही दिखाते हैं, कावड़ी को दिखाते ही दिखाते हैं, यात्रा भी मैं दिखाता ही दिखाता हूं, लेकिन ज्यादातर फोकस जो था डीजे सेटअप पे आप लोग पसंद करते हैं, तो आप लोगों ने उन वीडियो को कम और डीजे सेटअप वाली को ही ज्यादा देखा है। हाँ, अगर मैंने आपको कहीं यात्रा दिखाने की कोशिश करी तो उसको कम रहा, तो लेकिन अगर मैंने डीजे दिखाया तो उसको आप एकदम से पकड़ते हो, हाथ हाथ लेते हो और कावड़ यात्रा को कम देखते हो। तो ये मेरे दिल को कहीं ना कहीं इस बात का दुख थोड़ा रहता है कि हम जिस चीज को दिखाना चाहते हैं सबसे पहले तो वो है ना, सबसे पहले तो हमारी कावड़ यात्रा से ही तो डीजे, डीजे से कावड़ यात्रा नहीं है। हाँ, चलिए इन बातों को छोड़ दें, इन बातों को फिर कभी करेंगे। आज की जो मैं बात करने वाला हूं वो ये कि मुरादाबाद कावड़ यात्रा में कुछ डीजे सेटअप ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। हाँ, नए नाम मेरे से उभर करके मेरे सामने आए, लेकिन गजब के बजे। तो इसलिए मेरे को ये वीडियो बनाने का मन करा कि हम प्रॉपर जो हमारे बड़े डीजे ब्रांड है वो तो अच्छे बजते हैं, लेकिन अगर कोई एकदम से उभर के नया डीजे आता तो देखिए उसका भी हम लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए, उसका भी मॉरल वैल्यू थोड़ी बढ़ानी चाहिए कि हाँ आप लोगों ने अच्छा काम करा। तो इसकी कड़ी में एक डीजे बहुत तेजी से मुरादाबाद में बहुत तेजी से नाम कमाया एक डीजे ने। उस डीजे पे पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वैसे बताऊं कि इस बार ना हरियाणा और राजस्थान के डीजे की भरमार रही, आते पहले भी हैं लेकिन इस बार ना कुछ अलग ही लेवल का नाम था उन लोगों का भी। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं ना हरियाणा और राजस्थान के डीजों में, तो इस बार प्रेजेंटेशन उनकी बहुत अच्छी रही, पहले से आते आए हैं लेकिन पहले इतना नाम नहीं हुआ जितना नाम इस बार कमा गए। हाँ, तो इसी कड़ी में जैसे आप लोगों का देखा कि के एस प्रधान हरिद्वार कावड़ यात्रा में बहुत गजब का बजा था, बहुत ही गजब का बजा था, और मुरादाबाद कावड़ यात्रा में भी बहुत परफेक्ट बजा। हाँ, विशाल खटाना भाई साहब क्या सेटअप बज रहा था, बहुत ही गजब का सेटअप विशाल खटाना भी बज रहा था, यहां तक कि उसके कॉम्पिटिशन बड़े बड़े ब्रांडेड, बड़े बड़े जो नाम है ना हमारी साइड के या मुरादाबाद साइड के, उन लोगों के साथ भी कंपटीशन हुआ और जबरदस्त टक्कर दिया विशाल खटाना ने, तो बहुत ही गजब का विशाल खटाना है बजा। हाँ, और आपका विपिन कपासिया भाई क्या कहने बंदे के, गजब का सेटअप था भाई साहब। और ऑपरेटर बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग कर रहे थे, बहुत ही गजब की ऑपरेटिंग कर रहे थे। हाँ, और बजने में बस कहते हैं ना कुत्ता की काट दिया था, नाच ही कर दिया था कुछ, आजकल के बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मजाक से हटके, ऐसे बोलते हैं मजाक से हटके, तो दोस्तों मजाक से हटके सच में गजबी का बज रहा था, बिल्कुल कतई नाच ही कर रहा था। हाँ, मैं भी थोड़े से डायलॉग पकड़ लेता हूँ लोगों के जैसे बोलते हैं, पर ना मेरी शैली ये है नहीं बात करने की, तो सच में गजब का बज रहा था विपिन कपासिया। मैंने उसके कंपटीशन देखे, कई कंपटीशन देखे, टॉप क्लास में ही विपिन कपासिया बज रहा था। अगर विशाल खटाना टॉप बज रहा था तो विपिन कपासिया भी गजब का बज रहा था। और केएस प्रधान की तारीफ कर चुका हूँ कि आपका हरिद्वार में बहुत अच्छा बजा था और ये मुरादाबाद कावड़ यात्रा में भी बहुत अच्छा बजा। मुझे विपिन कपासिया और विशाल खटाना हरिद्वार में तो दिखाई नहीं दिए, कुछ पता लगा था कि शायद विपिन कपासिया तो वहां पर गए हैं, मुझे जानकारी नहीं, देखो मैंने नहीं देखे तो इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों सेटअप मैंने यहाँ देखे, बहुत गजब बज रहा। नाहर डीजे टॉप क्लास में बज रहा था और बड़े डीजे सेटअप के साथ, मैंने उनका खुद में कंपटीशन देखा, जब एक बड़े डीजे सेटअप के साथ उनका कंपटीशन आ रहा था भाई साहब
ऐसा बज रहा था कसम। मैंने 2 से 3 वीडियो डाली है उनकी, एक तो जब डाली जब वो स्टार्टिंग में प्रिपेयर ही उनके चले थे नाहर डीजे, तब भी मैंने उनकी एक वीडियो डाली है, और एक फिर बड़े कंपटीशन के साथ दिखाई वो भी मैंने डाली है। तो जहां जहां मुझे मौका मिला, जहां जहां मैं पहुंच सका, भाई साहब पहुंचा। हाथी का यही फायदा है, मेरे हाथी का जो है, मैं हाथी लेके जाता हूँ। देखो दोस्तों, हाथी लेके जाता हूँ, लोग कहते हैं अरे राघव भैया तुम तेल ही फूंक रहे हो यार इतने का, तुम इस पे क्या करते हो, तुम इतना तेल फूंक रहे हो। तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि मेरी ये पैशन है, मेरा पैशन है, मेरा शौक है कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊं। एक्सपेंसिस जो होता है सभी के साथ होता है, मेरा ज्यादा होता है, मेरा कम होता है, ये मुझको नहीं मालूम, हाँ, लेकिन मेरा पैशन है, मेरा अच्छी वीडियो दिखाने का पैशन है। तो मैं अपने हाथी को अपने साथ रखता हूँ, हाँ, इधर से उधर भागने में आसानी हो जाती है, इधर से उधर जागने में आसानी हो जाती है कि पता लगा कि यार आगे चलो। लेकिन इस आने जाने में भी कई बार मैं बहुत बड़े बड़े कंपटीशन मिस कर जाता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, टचवुड गारंटी दे रहा हूँ। आने वाले समय में ये जो डीजे मैंने बताया ना, नाहर हुआ, विपिन कपासिया हुआ, विशाल खटाना हुआ, गुड्डू प्रधान, के एस प्रधान हुआ, ये सब जो डीजे बाहर के डीजे, ये आने वाले टाइम में जो ब्रांडेड डीजे ना, उन्हें एक अच्छी टक्कर देते दिखाई देंगे। क्योंकि अब बात कर लेते हैं जिस डीजे की मैंने आज वीडियो बनाने की कहा था कि भाई एक डीजे आया मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुरादाबाद यात्रा पे जब मैं गया ना, तो एक डीजे मैंने सुना नहीं था उसको, तो सुना नहीं था, लेकिन क्या होगा कहीं जा रहे हैं तो लोगों को पता, अबे वो डीजे ना इतना अच्छा बज रहा, अरे यार राकेश भाई वो डीजे बहुत अच्छा, आपने सुना क्या वो डीजे बहुत अच्छा बज रहा, राकेश भाई उसका कंपटीशन देखा क्या, सुना है कि उसने उस डीजे को पेल दिया। तो ऐसी ऐसी खबरें मेरे पास आ रही थी, हाँ, और हम चले जा रहे थे वीडियो बनाते हुए, तो अचानक से वो डीजे सामने आ जाता है, जिसकी मैं तारीफ 1 से 1.5 दिन तक सुन रहा था कि उस डीजे ने ऐसे कर दिया, उस डीजे ने उसको पछाड़ दिया, उस डीजे ने उसको पेल दिया। वो डीजे आ गया, देखने में ठीक ठाक सही लगा, कोई खास सेटअप नहीं बांध रखा था कि हाँ बहुत तगड़ा सेटअप बांध रखा था, बहुत तगड़ी बेस लगा रखी थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे लगा यार ये सेटअप जिसकी तारीफ में सुन रहा हूँ, ये वही डीजे है या वो और कोई डीजे है। लेकिन जब मैंने उसको बजते हुए देखा ना, तो सच में भाई साहब दिल से तारीफ है उस डीजे के लिए, बड़ा ही गजब का डीजे सेटअप बज रहा था, बहुत गजब का डीजे सेटअप बज रहा था। और उस डीजे की अगर मैं बात करूं तो वो डीजे बताऊं दोस्तों क्या नाम है उस डीजे का नाम है पंकज डीजे मुरादाबाद। दोस्तों एक अच्छी छाप छोड़ी है पंकज डीजे ने इस बार, अच्छे अच्छे बड़ों बड़ों से भिड़ा है और अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी वजूद दिखाया उसने। हाँ, उनकी पार्टी का एक बंदा था, उसी ने क्लिप डाली थी कि लोग बाग बड़े, मैंने बुक करी है पंकज डीजे, अभी तक आरके डीजे तूफान सबसे पहले मुरादाबाद के अंदर, बोलती बंद, नेक्स्ट अभी यहाँ पे था एमजी साउंड न्यू अभी बनी है, आरुष खटाना, बोलती बंद, और आगे जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक कॉम्पिटिशन वो ओपन जाएंगे। ब्रांड को लाते हैं उसे तो सब जानते हैं, हम उसको लाते हैं जिसको किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन उसने झंडे गाड़ दी अपनी आवाज। एक बात और कहना चाहूंगा, जिसका नाम होता है उसको तो सब लेकर आते हैं, जिसका नाम नहीं उसे लेकर आए पहली बार, सिस्टम पार देगा पहली बार अपने परफॉर्मेंस से। तो सच में उसने अपने झंडे ही गाड़ दिए। तो दोस्तों पंकज डीजे मुरादाबाद का है, प्रॉपर मुरादाबाद का कहां का ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और सबसे बड़ी बात, मैं कभी पंकज डीजे से नहीं मिला, उसके मालिक को मैंने आज तक शायद नहीं देखा, मेरी बात हुई हो या नहीं हुई मैं नहीं कह सकता, मेरे तो याद नहीं है दोस्तों, मैं अपने तो भी फ्रैंक बताऊं मेरे याद नहीं है। लेकिन जब मैं उनके सेटअप पे पहुंचा ना, तो उन्होंने मेरा स्वागत किया और अपने ऑपरेटर को बोला, आई थिंक अमित नाम लिया था, रुको रुक अमित, ये भैया मेरठ से राकेश तोमर भैया आए हुए हैं, मजदूर यूट्यूबर, इनको कुछ प्रेशर वेशर सुनवा दो सही तरीके। हेलो, थैंक यू भाई, प्रेशर बेस सुनाओ सेटअप पे। तो उन्होंने बजाई भी थी हमारे स्वागत के लिए, तो बहुत क्लास बजी, बहुत अच्छी बजी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि पंकज डीजे ने बहुत अच्छा नाम किया। बाकी अगर यात्रा की बात करूँ तो ये एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट यात्रा है, हरिद्वार और मुरादाबाद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यात्रा में। लेकिन एक चीज़ वहाँ का एक सिस्टमेटिक मुझे लगा कि एक रोड कावड़ियों के लिए दे दी गई थी, एक साइड डिवाइडर रोड और एक साइड व्हीकल्स के लिए रखी, तो प्रॉपर व्हीकल चलता रहा, कोई जाम नहीं, कोई कुछ नहीं, और प्रॉपर कावड़ यात्रा चलती रही। क्योंकि कावड़ियों ने ना डिवाइडर जंप नहीं करके दूसरी तरफ नहीं गए, हमारे यहाँ वाले कावड़िये क्या करते हैं कि वो लोग जंप करके दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो यही जाम का मेन कारण हमारे यहाँ लगता है। जब आप जानने वाले को भी लगा दोगे, आने वाली जाम ले, तो इसलिए वो प्रॉपर अपनी साइड में ही चले, बस ये है। और उनका आवाजावन बिल्कुल ठीक चलता रहा, डीजे सेटअप उनके भी बज रहे थे। ये है हमारे यहाँ जब ट्रोला बन जाता तो वो ज्यादा चौड़ा हो जाता, उसके प्रारंभ से गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता, लेकिन अगर आप प्रॉपर ट्रोले को भी प्रॉपर चलाएं और जगह साइड में चलती रहे तो चलता रहेगा काम, ट्रैफिक भी चलता रहेगा और पीछे से आने वाला व्हीकल भी आगे निकल सकता। तो ये चीजें मैंने वहां देखी, तो उसके लिए तारीफ है मुरादाबाद प्रशासन और गढ़ प्रशासन को कि उन्होंने कावड़ यात्रा बहुत सुचारू रूप से चलाई।
और बात करें और डीजे की और सेटअप की, तो इस बार बहुत अच्छे बजे। अगर हम बात करें मेरठ से जाने वाले धड़कन डीजे की, गोली सेटअप था और बहुत ही अच्छा अपनी उसने इम्पोर्टेंस दिखाई है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर करी है। और शर्मा डीजे तो भाई साहब मुरादाबाद साइड का किंग है। हाँ, कहीं हल्का बजा किसी डीजे के सेटअप तो कहीं उसने अपना ताबड़तोड़, कहते हैं ना बैटिंग करी तो कहीं ताबड़तोड़ बैटिंग भी दिखाई है ऐसा। हाँ, तो वो तो उधर के लोग बाग उसको मानते, तो पूरा जबरदस्त क्राउड था, पब्लिक का बहुत ज़्यादा शर्मा जी को सपोर्ट था। इस बार लोगों ने मिस किया, मुरादाबाद कावड़ यात्रा में मिस किया अमर डीजे को और कसाना डीजे को, बहुत ज़्यादा मिस किया अमर और कसाना डीजे को। हाँ, लोग बार बार मेरे पे बहुत सारे मैसेज थे, अब कहाँ तक बताऊँ आप लोगों को कितने मैसेज आए। शुरुआत के पहले दिन तो पूरी रेड लगा दी, राकेश भाई अमर कहाँ है, अमर कहाँ है, अमर कहाँ है, अमर को दिखाओ, अमर कहाँ है, अमर को दिखाओ, अमर कहाँ, अमर को दिखाओ। हाँ, फिर मेरे को बताना पड़ा कि अमर भाई इस मेले में अमर नहीं है, कसाना भी इस मेले में यहाँ पर नहीं है, वो बाहर से बुक है तो यहाँ नहीं है, है ना। तो चाहने वाले अपने डीजे को खोजते हैं मेरे से या किसी और यूट्यूबर से, जरूर अपने डीजे के बारे में पूछते हैं उनको, हमने जितना जवाब हो सका उतना जवाब देने की पूरी कोशिश भी करी है। हाँ, तो कावड़ यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई और मैंने अपनी कावड़ यात्रा गढ़मुक्तेश्वर से स्टार्ट की थी और जीरो पॉइंट पे मैंने संपन्न कर दी थी। मैं जीरो पॉइंट से आगे नहीं गया था, वहां के बाद जीरो पॉइंट पे फिर कॉम्पिटिशन वगैरह भी हुए, लेकिन मैं जीरो पॉइंट का जहां से फ्लाईओवर की सर्विस रोड शुरू स्टार्ट होती मैंने वहीं पर खत्म कर दी थी, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ज्यादा हो रहा था और माहौल मुझे अच्छा सा नहीं लगा कि बारिश इतनी ज्यादा हो रही तो क्या दिखाऊं, क्या कवर करूं। हाँ, तो फिर मैं वापसी आ गया था। दूसरा, एक रात का जगा हुआ था, पूरा दिन जगा हुआ था, तो मुझे था पता था कि मैं रात को अगर यहाँ से निकलूंगा, टू व्हीलर पर निकलूंगा तो मुझको नींद आएगी, तो मैंने शाम जल्दी ही निकलना उचित समझा, जिससे अपना घर टाइम से पहुंच जाऊं। और मैं अपने घर रात को 8:30 बजे घर पहुंच गया था, लेकिन बारिश बाबा रे बाबा, मैंने इतनी बारिश नहीं देखी जितनी उस दिन बारिश मुझको मिली है। मेरे को वहीं से ही बारिश मिलनी शुरू हुई, पूरे रास्ते बारिश से भीगता हुआ, लेकिन मेरठ में आने के बाद तो धुआंधार बारिश हुई कि हाथी भी डूब के चल रहा था। मुझको ये डर चढ़ रहा था कि कहीं हाथी पानी में बंद ना हो जाए, बस ये डर चढ़ा रहा, लेकिन अच्छे से प्रॉपर से अपने घर पहुंच गया ठीक ठाक। तो दोस्तों, ये रही कावड़ यात्रा, मुरादाबाद कावड़ यात्रा 2024 का थोड़ा सा विश्लेषण किया मैंने। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का फेवरेट डीजे कौन सा था, आप लोगों को मेरी क्या बात अच्छी लगी, मेरी क्या बुरी बात लगी, ये कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों देखो, वीडियो को लाइक कर लिया करो, बहुत मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, आपका लाइक एनर्जी देता है, थोड़ी सी नई वीडियो बनाने का उत्साहवर्धन करता है। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।